मारीना संदेश राय। बहाल करो, उर्दू शिक्षक बहाल करो, उर्दू शिक्षक बहाल करो, उर्दू शिक्षक बहाल करो। क्या है जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, क्या है जो मजबूरी। क्या मामला है, आज आपके ज्ञापन लेके आए? आज हम लोग ज्ञापन लेके आए हैं पीस पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता डॉक्टर अय्यूब साहब मान्य, हम लोग को जो है आज 17 नवंबर को जो है निर्देश किए हैं कि आप लोग जो है हर जिले कलेक्ट्रेट पर पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जहां पार्टी के सदस्य हैं और कार्यकर्ता हैं, हम लोग हर जो है कलेक्ट्रेट पर जाकर आज ज्ञापन दे रहे हैं। और उर्दू जो शिक्षक हैं, 4 साल से जो है इनका रुका हुआ है वेतन, इनको मिल नहीं रहा है और इनकी जो है मतलब ड्यूटी जो वो मतलब नहीं ले पा रहे हैं और ज्वाइनिंग नहीं कर पा रही है सरकार। और हम लोग मांग कर रहे हैं पीस पार्टी की जो है झंडा से और उनके पार्टी से, और हम लोग की मांग है कि जल्द से जल्द इसका बहाली किया जाए। सरकार द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है बराबर की बहाली जल्दी होगी, इसमें क्या कहना? भाई सरकार जो है जो कह रही है वो कर नहीं रही है, करनी में जो है इनका बहुत जो है मतलब मामला साफ नहीं हो पा रहा है। आगे आपकी क्या रणनीति होगी इस मामले को? आगे पार्टी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे हम लोग निर्देश करेंगे और वो कहेंगे अगर आंदोलन और आगे तेज करना है तो हम लोग लखनऊ भी जाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, जरूरत पड़ी तो जो है हम लोग रोड पे भी उतरने का काम करेंगे जैसे हमारे पार्टी का निर्देश होगा। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, जैसे आन होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपना परिचय दें। मैं पीस पार्टी विधानसभा अध्यक्ष मुनव्वर अली। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।